मेरा नाम रंजना कुमारी है, मैं बिहार के पटना में रहती हूँ। मेरे पति का नाम शंकर सिंह है। मैं पटना से यहाँ कथा सुनने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाँ तो ऐसे हाथ हिला दो। हाँ जी, हाँ ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस, ठीक है। मेरा नाम रंजना कुमारी है, मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। पति का नाम शंकर सिंह है गुरुदेव। बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, पति को 2010 से, कौन सा सन, 2010 से तकलीफ हो गई, जिसका इलाज चलते चलते 2010 से चलते चलते इलाज 2022 तक 12 साल वो जो जीभ में तकलीफ हुई उसका। डॉक्टरों का कहना था ये बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाले रोग हैं, मुश्किल है गुरुदेव। 2010 से डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब, कोई डॉक्टर नहीं, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया, सबका इलाज करवाया, आराम नहीं लगा। तब एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आ गई जिसमें आप कथा कह रहे थे, उस कथा को मोबाइल पर श्रवण करा और सर्च करा, आपकी कथा निकाली, उसको सुनना प्रारंभ करा। 2022 12 साल के बाद जब आपकी क्लिप थोड़ी सी मोबाइल पर सुनी और उस कथा को निकाला और कथा को निकाल कर जब पूरा सुना, आपने प्रत्येक कथा में एक ही बात कही, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्री चढ़ी हुई शिव पर चढ़ा हुआ खाओ और शिखर का दर्शन करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। बाबा 2010 में पति को जो तकलीफ हुई जीवन में, इलाज करते करते 2022 आ गया और 2022 में आपकी छोटी सी क्लिप सुनकर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना चालू करा, बाबा की कृपा से सारी दवाइयां बंद हो गई, मेरा पति 12 साल के बाद ठीक हो गया। ये शिव की उदाहरण।